स्वागत है आपके आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज जो है दीपावली द एंड हो गया, तो अब जो है ना घर के आगे में दिखे दिखाना है चीज को जो है ना हटाना हो, तो चीज बोले तो दीपली को हटाना होगा। देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अब सारे को जो है ना मतलब हटाना, क्योंकि सारे देखेंगे सारे गेट पे रखा हुआ, यहाँ है, यहाँ है, रूम में भी डाला हुआ है। मतलब देखिए लाइट लगाने के बावजूद, लाइट ऑफ करने क्या है, के लाइट लगाने के बावजूद भी हम लोग ने दीपली का पूरा उपयोग किया, क्योंकि 150 दीपलियाँ थी ना, उसका सारा इस्तेमाल हुआ। फिर छत पे भी चारों तरफ है, सबको हटा के कहीं एक जगह इकट्ठा कर देना और फिर विसर्जन कर देना। चलते हैं फिर, अभी हटाते हैं। वो फाइनली जो इतना कलेक्ट हो गया है, और बहुत जगह पे मैंने उठाया भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे है ना पीछे ऊँचे में जो पड़ा हुआ था उसको मैंने छोड़ दिया, और ऐसे भी प्लॉथिन जो है भर चुकी है। फिर दूसरा प्लॉथिन कौन लाने जाए नीचे, और इसी बीच हमारे अमित भैया का फ़ोन आया कि चलो गंगा जी नहा के आता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में पता है ना क्या है, छठ पूजा। तो फिर इसको साइड में रख करके चलते हैं गंगा जी नहा करके आते हैं। हम लोग का गंगा जी नहाया हुआ हो गया। अगले साल का लास्ट टाइम हो जाएगा, दिसंबर तक में नहीं देगा, 2 महीना अभी टाइम है बचा, ठंड में उतना काम हो नहीं है, वो नहीं होगा चांस से कम। वहाँ उससे आगे जो रोड बनाएगा, रोड बना दिया। तो अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं काली मेला में, जो कि हमारे स्टेशन के बगल में लगती है। मंदिर का व्यू देखिए भाई साहब, बहुत ही मतलब ओपी सजाया हुआ, बहुत ही अच्छा। जय माता दी, जय माँ काली। और यहाँ पे स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई है, जो कि ट्रेन रुकती नहीं है, वो ट्रेन रुकी है, वही देख रहे हैं हम लोग। दिव्यांशु जो है अपना पसंद का बनवा रहा है। तो यहाँ पे आ गया हम दोनों का ब्रेड। तो अब है ना गुपचुप पार्टी करते हैं, गुपचुप पार्टी स्टार्ट। बहुत कम काम कर रहा है।